योर नेम इज करीना. करीना यू आर इन विच क्लास? 5. पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, हाँ. कौन पढ़ाता है आपको अच्छे से सबसे ज्यादा? मैं, मेरी मैम पढ़ाती है, पर वो अभी ऑनलाइन पढ़ाती है. 10 साल की करीना के पिता मोची हैं और माँ मंदिर की सफाई करती है. उसका भाई सूरज 6 साल का और बहन काजल 7 साल की है. उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक बस्ती में रहने वाले इन बच्चों के पास चिलचिलाती धूप में पहनने के लिए चप्पल ना हो, लेकिन पढ़ने का जज्बा जरूर है. सरकारी स्कूल भले ही बंद हो, लेकिन टीचर इन्हें व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाती हैं. आज व्हाट्सएप पे लेसन आया था करीना? यस मैम. क्या लेसन आया था आज? ये साइंस का. क्या था? सीड, यानी जो बीज होती है ना. हाँ. उसकी. तो वो क्या मैम अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी थी या ऐसे कोई लेसन भेजी थी? नहीं, लिख के भेजी थी. तो फिर हम लोग उतार लेते हैं. हाँ. फिर जो लिख लेता है फिर व्हाट्सएप करके फिर भेजते हैं. हालांकि काफी ऐसे बच्चे भी हैं जिनके लिए ये विकल्प भी नहीं है. मेरा मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता. लेकिन जिन लोगों के पास है उन लोगों को भेजते हैं व्हाट्सएप में लेसन. तो आपका लेसन फिर कैसे कर रहे हो आप? मैं अपने घर ही में कर रही हूँ. झारखंड के देवघर में 11 साल के शिफा मिर्जा सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास में है. वो भी अपनी टीचर की बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जरूर है, लेकिन फोन में हमेशा रिचार्ज रहे या पिता के पास रिचार्ज के पैसे हों इसकी गारंटी नहीं. श्वेता शर्मा देवघर के सरकारी स्कूलों में 20 सालों से पढ़ा रही हैं. उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के ग्रुप में करीब 200 बच्चे जुड़े हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने की कवायद में वो कुछ ही हद तक सफल हो पाई हैं, लेकिन वह इस पहल को भी एक अच्छी शुरुआत मानती हैं. ये पहला अवसर है जब सरकारी स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं. अब मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा हमारे इस लॉकडाउन का. जब टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होने लगी, टीचर्स वेबिनार अटेंड करते हैं, वो ICT टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो नए वीडियोस तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे को किसी एक विषय को और अधिक कारगर तरीके से समझाया जा सके. जो टीचर्स अभी तक मोबाइल फोन को महज कम्युनिकेशन का हिस्सा मान के चले थे, अब उसको वो ICT टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव है. ये है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 7वीं कक्षा का स्टूडेंट कनव. कनव की बहन मुक्ता उसे बता रही है कि उसे क्या होमवर्क दिया गया है. मुक्ता का कहना है कि सरकारी स्कूलों का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन इसमें अभी बहुत कमियां हैं. गवर्नमेंट स्कूल ने ये प्लान तो अच्छा सोचा कि वो व्हाट्सएप के जरिए सबको ऐड करके ग्रुप में पढ़ाई कराएंगे, लेकिन एक मोस्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं वो है इंटरनेट. इंटरनेट किसी के पास है, किसी के पास नहीं है. इनफैक्ट किसी के मदर फादर हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और किसी के नहीं. इसी के जरिए उनके क्लास के ग्रुप में भी पूरे टोटल बच्चे नहीं हैं. जिस तरीके से एक प्लान उन्होंने सोचा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसको सेंड करते हैं बच्चों को और बच्चे काम करेंगे, इससे बच्चों का एक चीज़ का फायदा हो रहा है कि जो वो काम 6 घंटे स्कूल में जाकर करते वो घर बैठे आराम से कर तो रहे हैं, लेकिन चैप्टर डिस्कशन वो चीज़ उन्हें अभी भी कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और भी सोचना चाहिए. शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप.